भारत पर पहला मुस्लिम हमला अरब के मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यह आक्रमण 712 ईस्वी में किया गया था। इससे पहले 711 ईस्वी में उबेदुल्ला के नेतृत्व में एक दल भारत के सिंध भेजा गया था, जिसमें उबेदुल्ला की बुरी तरीके से हार होती है तथा वह मारा जाता है। इराक के हाकिम, हाकिम का मतलब होता है राजा, जो वहाँ के राजा होते थे उन्हें हाकिम बोलते थे। हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस भयंकर युद्ध में सिंध की हार हो जाती है। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा था। दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी, जिसका सही आंसर है 712 ईस्वी। थैंक यू।